इंदिरा नगर पुलिस चौकी और चौकी इंचार्ज की करतूत से एक मुस्लिम परिवार की रोजी रोटी छीन ली। आपको बता दें, पुलिस एक महीने बाद मुकदमा लिखकर अपने कर्तव्य को पूरा करने का ढोंग रच रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 16 दिसंबर 2022 शहर कोतवाली इंदिरा नगर चौकी के आचार्य द्विवेदी नगर के सामने बुटीक सेंटर की दुकान से लगभग 6 लाख का सामान दिन दहाड़े गायब कर दिया गया था, जिसकी खबर पुलिस को हो ही नहीं पाई। इस मामले की जब शिकायत की गई तो पुलिस में रिपोर्ट लिखने में भी आनाकानी हुई, ऐसा बताया गया। मजबूरी में पीड़ित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लगा दी। वहां के आदेश पर झक मार कर पुलिस ने पीड़ित अब्दुल रहमान की तहरीर पर नगर कोतवाली में धारा 380 427 के तहत नीलम मिश्रा सहित 3 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया। परंतु आज एक माह से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने न तो किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया है और न ही दिन दहाड़े चोरी किए गए किसी भी सामान की बरामदगी का कोई अता पता है। सीसीटीवी फुटेज में दुकान का सामान एक वाहन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस इस वाहन के नंबर से भी वाहन तक नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन की इस पूरी कार्रवाई में कहीं ना कहीं सवालिया निशान और संदिग्धता समझ में आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, यह लोगों का आरोप है। देखिए पूरी रिपोर्ट संदीप मिश्रा के साथ। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिदा बानू है। क्या मामला, क्या रिपोर्ट आप लिखाई है? मेरे पति अब्दुल रहमान जीनत बुटीक एंड फैशन डिजाइनर की दुकान जेल रोड पे मोदी स्कूल के आगे खोले हुए थे, आचार्य द्विवेदी नगर में। नीलम की दुकान थी। 16 तारीख को नीलम ने जो है जो पुलिस वालों के वहाँ जो है झूठी FIR जो भी किया हो, पुलिस वाले 2 सिपाही आए, आके अब्दुल रहमान को बुला के ले गए कि चलिए कुछ पूछताछ के लिए आपको चलना पड़ेगा। तो ये कोतवाली गए, वहाँ पे इनको बैठा लिए। फिर नीलम को बुलाया गया तो मनोज साहब हैं, इंदिरा नगर के चौकी इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा अब्दुल रहमान से कि 15 दिन का समय आपको देते हैं, आप दुकान खाली कर दीजिएगा और जो आपने मेंटेनेंस में पैसे लगाए हैं और जो डिपॉजिट आपका जमा है वो पैसे ले लीजिएगा। फिर इन्होंने कहा ठीक है। इनको छोड़ा नहीं, इनको शाम के 5 बजे तक बैठा लेते, फिर चालान 151 का काट दिया। उसके बाद जब जमानत लेके दुकान पहुँचे तो दुकान का काउंटर बाहर पड़ा हुआ था। नीलम ने दुकान का ताला वाला तोड़ के सब सामान उठा ले गई। वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम्हारा सामान सब निकाल ले गई है नीलम दुकान मालिक। तो फिर जो है पुलिस में कंप्लेन की गई, मनोज साहब के पास फ़ोन किया गया, 112 पे फ़ोन किया गया। सिपाही लोग आए, आके देखे, फिर कहा कि एप्लीकेशन लिख के कोतवाली में दीजिए, वहाँ पे दिया गया, लेकिन FIR नहीं लिखी, खाली आके देख के चले गए। फिर अगले दिन जो है हम लोग गए मनोज साहब के पास, वहाँ कोतवाली गए, सब कहीं गए, जाके लिखवाना चाहे तो कहें कि आपका सामान मिल जाएगा। तब से जो है मनोज साहब रोज़ सुबह शाम जो है चौकी कोतवाली कोर्ट सब बुला के जो है जब बुलाए तब हम लोग गए उनके पास। उसके बाद FIR भी नहीं लिख रहे थे, कहें आपका सामान मिल जाएगा, परेशान ना होइए। अब कस्टमर लोगों का कपड़ा, हम लोगों की 8 मशीनें रेडीमेड का कपड़ा सब बहुत सामान था, कम से कम 5-6 लाख से कम का सामान नहीं है। रिपोर्ट दर्ज होने पर क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है? अब 13 तारीख को जो है रिपोर्ट जो है लिखी है FIR मनोज साहब ने, उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और कस्टमर लोग इतनी धमकी दे रहे हैं कि हम बताइए कहाँ से उनको कपड़े दें वापस, इतना जो है बहुत धमकी पे धमकी। अब खाने तक का सवाल उठ गया है कि 1 महीने ज़्यादा हो गया, अब वही एक दुकान का वसीला था, अब कहाँ से खाना खाएं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, सभी कुछ है, स्कूल की फीस है, खाने में थोड़ा पैसा नहीं लगता है, ना खेती ना बाड़ी, रोज का कमाना खाना था वो भी सब खत्म।